नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अपना एक और चैनल है मुकेश कुमार मीना के नाम से। आप अगर देखेंगे, लिखेंगे मुकेश कुमार मीना भजन, तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जिस पर अभी हाल ही में मैं घर में बैठे बैठे एक कैरियोके पर गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि मैं वो जो कोशिश कर रहा हूँ गाने की, मेरे हिसाब से वैसे इच्छा आपकी भी होती होगी कि हम भी गाएं, ठीक है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो कैरियोके है या ट्रैक है, उसमें आप देखेंगे कि स्केल है वो एफ है, एफ शार्प है, जी शार्प है, ई है, ठीक है। तो यहाँ से वो जो गाने हैं जनरली होते हैं, हर कोई गाना है वो सी शार्प से नहीं होता। अब हम 99% लोगों की बात करें जो बिगिनर्स स्टेज में हैं, उसमें क्या होता है कि वो जनरली सी शार्प से सारे गामा पादानी सा बजाते हैं और यहीं से वो अभ्यास करते हैं और यहीं से हर किसी गाने को गाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उस चीज़ को आप समझना, क्योंकि ये आप ही लोगों में से किसी का सवाल था और उसी के जवाब में ये वीडियो मैंने बनाया है कि आपका जो स्केल है, मैं अपना स्केल अगर आपको बताऊं तो मैं सी शार्प से हमेशा रियाज करता हूं, ठीक है। यहीं से मैं बिलावल थाट पे करूंगा, यानी शुद्ध स्वरों में करूंगा, यहीं से मैं भैरव में करता हूं, ठीक है। तो यहीं से मैं डेली रियाज करता हूं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कभी अगर आपको शुद्ध स्वरों का रियाज हो जाता है, उसके बाद में अगर आप किसी थाट में अगर रियाज करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो थाट है जिसका आपको रियाज करना चाहिए वो है थाट भैरव, जिसमें रे और धा कोमल होता है, बाकी सुर हैं वो शुद्ध होते हैं। तो थाट भैरव और रे और धा कोमल, अगर नी कोमल को भी हम यूज कर दें तो वो अहिर भैरव का पैटर्न हो जाता है, वो राग का पैटर्न हो जाता है, रे धा और नी कोमल, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपके स्केल से, तो शुद्ध स्वरों में करिए, यानी बिलावल में, जैसे कि ये सा रे गा मा पा ये देखते हैं कि स्टार्टिंग फेज में कि भाई मेरा बिलावल में हो गया, फिर आपने थाट बताई है, थाट का क्रम कल्याण है, उसके बाद में खमाज है, भैरव है, भैरवी है, लेकिन हम सबसे पहले हमें थाट भैरव के सुरों का रियाज करना चाहिए स्टार्टिंग में, जब हम सुबह उठते हैं, क्योंकि जो राग भैरव है, या मैं कहूँ थाट भैरव का जो अंदाज है, वो सुबह के समय गाए जाने वाले राग इसमें अधिकतर मिलते हैं। तो आप जब इसमें देखेंगे सा रे गा मा पा द नी सा नी धा पा गा मा रे गा रे सा। अब हमने यहाँ पर धाय नी शुद्ध लिया है, अगर यहाँ पर हम नी कोमल कर लेंगे तो ये अहिर भैरव का पैटर्न हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस डिस्कस किया। सवाल ये उठता है अब कि आप जब गाना गाते हैं तो कैरियोके में बात करें तो वो जो सॉन्ग है उसका स्केल ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। देखिए, स्केल ज़्यादा है कोई बात नहीं, अगर आपका स्केल सी शार्प है तो आप डी शार्प से गाने की कोशिश करिए। रियाज एक अलग चीज़ है, समझना इस बात को अच्छे से। रियाज आपका सी शार्प का आपका स्केल है, यहाँ से आप करते हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और बहुत सारे गुणी जन भी ये कहते हैं कि अगर आप गायकी करते हैं तो हमेशा एक सुर या आधा सुर ऊपर चढ़ कर के करिए। अगर आप सी शार्प आपका स्केल है, अगर आपको कहीं लाइव प्रोग्राम में या किसी के सामने, या आप कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर आपको कहीं मौका मिलता है गाने का, तो ऐसी सिचुएशन में आप सी शार्प की बजाय डी शार्प से गाइए, तो आपका जो गायकी है वो अच्छा निकल के आएगा। इसमें क्या होगा कि जब सा ये है तो तार सप्तक का सा ये है, ये जब सा है तो तार सप्तक का सा ये हो जाएगा, आधा सुर आप आगे बढ़ गए, या मैं ऐसे कहूँ कि एक सुर आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, आधा नोट या फिर एक सुर आप आगे बढ़ गए।
तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका रेंज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि रियाज आप यहाँ से करते हैं और जब आप यहाँ से गाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि मान लो कि आपको यहाँ से कोई गाना गाना है तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ जाते जाते आपका हो सकता है गले में खिंचाव हो या थोड़ा टेंशन आए, तो हो सकता है कि मिठास जो होती है गाने में वो कम हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात आप चिल्लाएंगे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो मिठास नहीं हो सकती। अगर आप वो भी कोशिश करेंगे तो फिर हरकतें डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उस सुर को पकड़ने का वहाँ तक जाने का रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चाहे कैरियोके पे गाएं चाहे आप लाइव में गाएं, उसके पहले किसी भी गाने को आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। अगर गाना नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि मैं कौन सा गाना या भजन गाने वाला हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें कि आप अगले सुर से कोई भी थाट ले लें और उसके सुरों का रियाज कर लें। सुरों का रियाज करके आप देखेंगे कि यहाँ तक आप देख रहे थे, यहाँ पर ये जो सुर है या फिर उसके अगला जो सुर है, यहाँ तक मुझे तकलीफ हो रही थी, तो आप इसको बार बार फोकस करिए, यहाँ पर पहुँचिए और अपने गले को डेकोर करिए, यानी कि कोशिश करिए कि आप पहले जैसे कि ई में निकालो, ऊ में निकालो, आ में, हो में, हैं तो, या फिर हमिंग में आप अपने आप को इस सुर तक पहुँचाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो गायकी है वो अच्छी होगी, और जनरली क्या होता है कि हम लोग ना क्या करते हैं कि हमारा अगर सी शार्प से स्केल है, हम डी शार्प से शुरू करते हैं, लेकिन पता चलेगा कि अंतरा में आते आते हम वापस सी शार्प पे आ गए, हम स्केल ही मिस कर गए, इस टाइप की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्केल में बने रहें, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप ये मानिए कि जैसे मान लो कि मेरे को कोई भजन अगर कैरियोके पे जो मैं आजकल गा रहा हूँ वो मैं जब गाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कि पकड़ा इस कान में लीड लगाया और गा दिया, ऐसा नहीं है। मैं उस गाने को पहले क्या करता हूँ कि उसका जो ओरिजिनल स्केल जो आ रहा है उससे ढूंढ करके मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ से है, ये जो भजन है या सॉन्ग है ये यहाँ से है, तो फिर मेरे को पता चलेगा कि ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ तक ना भी पहुँचूँ, तो यहाँ तक मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ कि इस सुर को मैं अच्छे से बार बार एक दिन कम से कम रियाज कर लूँ। इससे क्या होगा कि मेरा कमांड आ जाएगा तो मैं उस सुर तक आसानी से पहुँच सकता हूँ, मेरा जो मुझे कितना बॉडी का यूज करना है, कितना गले का यूज करना है, फिर उसके अंदर मैं अगर उस पर कमांड कर लूँगा तो मिठास और हरकत या जो ओरिजिनली गाने में जो काम किया गया है उसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम सिंपल ऐसे मान लो कि ये आपका सी शार्प है, आप डी शार्प से भैरव लें या अहिर भैरव लें, इसके लिए था सा रे गा रे सा, अब आपका स्केल चेंज हुआ सा रे गा रे सा रे गा मा पा सारे गामा पा करके गामा पा वापस गया और पा पे मैं ठहर रहा हूं, इट मींस मैं उस सुर को एनालिसिस कर रहा हूं कि वो मेरे गले में बराबर निकल रहा है नहीं निकल रहा है, या मुझे कितने और उसकी जरूरत है। तो दिन भर या मैं कहूं कि 2-3 घंटे अगर आप इस चीज का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा रेंज आगे हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारी स्किल बढ़ती है, रेंज बढ़ती है और जो गायकी है वो सुनने वाले को सुंदर लगती है। सारे गामा 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 गामा
आप ये करें कि आप सुर का नाम लें, आप आकार में करें, हो में करें, तकलीफ होगी, लेकिन आप अपने बॉडी से बात करिए और खुल के इस सुर को निकालने की कोशिश करिए, खुल के करिए, आवाज को दबा करके, थोड़ा सा गले को खींच करके, पेट को खींच करके, कमर को सीधी करके, ऊपर मुंह करके, इधर करके कोशिश करिए कि कहां पे आपका एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आ जाए कि आप इसको कंफर्टेबली निकाल सकें। कुछ और दबा बोल रहा हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यानी गलतियां होंगी, उसकी परवाह कभी भी मत करो, बस काम करो। यहां पर आप आकार में आ में नहीं जा रहे हैं तो हो में जाइए। अगर आ में जाने के बाद अगले सुर पे जाना है और यहां पे लगता है कि यहां पे मेरा गला खिंच रहा है, आ में नहीं कर रहे हैं, आकार में नहीं जा रहे हैं, कुल मिला के आपको वहां पर जाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। चाहे आ में जाइए, ही में जाइए, हु में जाइए, ई में जाइए, हाँ में जाइए, हमिंग में जाइए, जैसे आपको जाना है। लेकिन आप एक बार अगर किसी पैटर्न से चले गए तो फिर आप आकार में भी वहां जाना शुरू कर देंगे, तो आकार में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो आवाज निकलेगी और जब आप गायकी करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूं। ज्यादा अगर यहां पर नहीं ठहर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ज्यादा अगर यहां पर नहीं ठहर सकते हैं तो फटाक से टच करके नीचे आ जाइए। यानी एक तरीके से ऐसा है कि आपने मेहनत करी फिर नीचे आ गए रेस्ट करने के लिए, फिर मेहनत करेंगे फिर रेस्ट करने के लिए जा जाएंगे, फिर मेहनत करेंगे फिर रेस्ट, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे चींटी होती है ना, ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है फिर गिर जाती है, लेकिन फाइनली जा करके वो चढ़ जाती है। वही प्रोसेस हमको यहाँ पे करना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते तो आपको ज़बरदस्ती रहना है, गले को ख़राब कर लेना है, नहीं, जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना अपने को रहना है, वापस आ जाना है।
आराम करने के लिए, फिर वापस जाएंगे। बस एक रात की अब यही है कहानी, कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ तो भी ध्यान है मेरे, एक मिनट में लिख लूं क्या लिरिक्स, एक मिनट होल्ड करना। बस एक रात की अब कहानी है सारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, कि मैंने जो बताने की कोशिश की है शायद मेरा उद्देश्य आपको समझ में आया होगा। कभी भी कोई भी, चाहे सिंपल से सिंपल गाना जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, अगर आप उसको गाने के लिए कहीं जा रहे हैं, आप पेश करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप जरूर एक बार उसका रियाज करें। अगर आप कहें कि मेरे तो 15-20 गाने तैयार हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो भाई 15-20 गानों का आप डेली 7 दिन में 10 दिन में एक बार सबको रिवाइज करें। जितनी बार किसी गाने को आप बजाएंगे तो आपको समझ में आएगा उस गाने में और भी बहुत कुछ रस था जो आज तक हमको पता ही नहीं था, उसमें और कुछ अच्छा किया जा सकता था जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन करने से, बार बार रियाज करने से समझ में आया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताया है कि 100 गाने एक एक बार या एक ही गाना 100 बार बेस्ट वो अल्टरनेट है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।